कुछ हफ्ते पहले तक जहां राजन शाही के कई ऑनगोइंग शोज टीआरपी में धमाल मचा रहे थे, तो वहीं अब वही शोज अच्छी रेटिंग्स के लिए खूब तरस रहे हैं। वहीं अब ताजा खबर ये सामने आ रही है कि राजन के दो बड़े शोज जिनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है और बातें कुछ अनकही सी शो शामिल है, उन्हें चैनल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि चैनल ने ये नोटिस शोज को मिल रही कम रेटिंग्स के कारण भेजा है। खबरें हैं कि चैनल ने इस नोटिस में कहा है कि मेकर्स शो की रेटिंग्स बढ़ाने पर काम करें, जिसके लिए मेकर्स को एक महीने का वक्त दिया गया है। अगर इस एक महीने में शो की रेटिंग्स नहीं बढ़ती तो शो पर ऑफियर की गाज भी गिर सकती है। वहीं शोज की गिरती रेटिंग्स पर अब राजन शाही का रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल हाल ही में राजन ने एक मीडिया पोर्टल के साथ खास इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने शो की टीआरपी प्रभावित होने पर अपनी बात खुलकर रखी। राजन ने कहा, सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक निर्माता कुछ शो बनाता है जो हिट हो जाते हैं और कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। कई बार कोर्ट्स में सुधार होता है, जहाँ कई बार हमें समझने की जरूरत होती है कि ऑडियंस शो के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या नहीं, और कभी कभी राइटिंग में भी बदलाव होता है। वहीं जब राजन से लॉन्ग टर्म शो की टीआरपी में गिरावट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, लॉन्ग टर्म शो हर दिन एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। इन शोज के अपने अपने चरण होते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम एक क्रिएटिव क्षेत्र में हैं। निराश हुए बिना सुधार करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। बड़े शोज में गिरावट देखी जाती है और वो फिर से ऊपर भी उठते हैं। ये सब प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राजन ने तो अपनी बात जाहिर कर दी है, लेकिन क्या वाकई आने वाले दिनों में शो की टीआरपी बढ़ती है या नहीं, अब ये देखने वाली बात है।